गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल अनबॉक्सिंग। आज का जो पार्सल है वो मीशो से है। मीशो से मंगाया था मैंने पार्टी वियर गाउन, वो भी एक नहीं दो नहीं 12 गाउन है। जैसा कि आप देख सकते हो इतने सारे पार्सल। बर्थडे आने वाला है तो मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों को बर्थडे पे कौन सा ड्रेस पहना सजेस्ट करोगे, तो आप सभी ने गाउन चूज किया है। तो अब 12 गाउन लेके मैं आ गई हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखना और मुझे बताना कि मैं अपने बर्थडे पे कौन सा गाउन पहनूं, और आप लोग अपने बर्थडे के लिए कौन सा गाउन चूज करेंगे वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना जैसे आप लोग हमेशा करते हो। इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप देख सकते हो कितना सारा पार्सल। ये है पहला पार्सल, खोल के देखते कि इसके अंदर कौन सा ड्रेस है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा है इसके अंदर कौन सा ड्रेस है, कौन सा गाउन है। इसके अंदर है एक मेहरून कलर का गाउन जो कि मैंने ग्रीन कलर में मंगाया था। इस पर भी लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर, जबकि मुझे रिसीव हुआ है मेहरून कलर। पहली बार कुछ थोड़ा ट्रेजेडी हो गया। इसका जो रेट है वो 328 है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, आपने इसकी वीडियो देखी होगी। बट मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया कि मैंने ये ग्रीन कलर में मंगाया था, मुझे मेहरून कलर में रिसीव हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये तो पता नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने जो है वहाँ पे नेट लगा के रखा है, और ये इसके गले के यहाँ पे बॉर्डर है। ये आपने देखा ही होगा, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था, पार्टी वेयर गाउन है। लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसे नाइट को पार्टी में पहन के जा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। 328 के हिसाब से ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप देख ही सकते हो ये ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है पहनने के बाद। मैंने ग्रीन कलर में मंगाया था पर मुझे मेहरून कलर में रिसीव हो गया है, बस यही डिफरेंट है। पर पहनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए रेटिंग में इसको 10/10 दूंगी। इसमें कोई भी कमी नहीं है, लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है, फुल ऑफ पार्टी वेयर लग रहा है। आप बर्थडे पार्टी कहीं पर भी पहन के जा सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हो ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, 328 में फुल अप पार्टी वेयर ड्रेस है। रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ट्रांसपेरेंट नेट का कपड़ा लगा रखा है, ये भी नेट का कपड़ा है, इसके नीचे इन्होंने अस्तर लगा रखा है, और ये पूरा फुल अप शाइनिंग वाला है। अगर लाइट पड़ेगा तो और ज़्यादा शाइनिंग करेगा। और ये फुल अप पार्टी वेयर ड्रेस है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बर्थडे में पहनने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ड्रेस कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, ये पहनने में भी कम्फर्टेबल, फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है। ये जो साइज है ये एम साइज है, ओवरऑल ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा है। बस मैंने ग्रीन मंगाया था, मुझे मेहरून दे दिया है, पर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। ये है नेक्स्ट पार्सल, इसका जो प्राइस है वो 1164 का है, और फुल ऑफ पार्टी वेयर ड्रेस है। आपने ज़रूर इसको देखा होगा, ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी लोग यूट्यूबर ने इसका वीडियो बनाया है, बहुत प्यारा है देखने में। बाकी हम लोग देखते हैं कैसा रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो इसकी जो पैकिंग है वो कितनी ज़्यादा प्यारी है, अच्छे खासे पैकेजिंग में दे रखा है इन्होंने। रेट के हिसाब से देखते हैं कि कैसा आया है। 1164 के हिसाब से हमें मिला है ये ड्रेस। मैंने ग्रीन कलर में मंगाया था, ये ऑलिव कलर है, मुझे लगा ग्रीन होगा, और डार्क ग्रीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है देखने में। ये देखिए आप, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट है, जॉर्जेट के अंदर इन्होंने अस्तर लगा रखा है। अस्तर जो लगा रखा है वो क्रेप का कपड़ा है, क्रेप का कपड़ा सॉफ्ट में है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जिसका साइज़ है वो एम साइज़ है, एम साइज से छोटा साइज इनके पास था नहीं, एस साइज़ वगैरह अवेलेबल नहीं था। ये है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये चुन्नटे लगी हुई है, घेर बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर चुन्नटे वाला घेर लगा रखा है इन्होंने, और लास्ट में यहाँ पर बकरम लगा रखा है, कैनकेन लगा रखा है यहाँ पे इसके अंदर। ये कैनकेन का इतना सा बॉर्डर बना रखा है जिसकी वजह से हेवी हो रहा है, फ्लेयर आ रहा है। इसके ऊपर का है ये जैकेट जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसमें सितारे का वर्क किया हुआ है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये है इस टाइप का है, ये खुला हुआ है, ऐसा खुला है, स्लीव में इस टाइप का आएगा कुछ जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये इस टाइप खुला हुआ है पूरा, इस टाइप का आएगा। बाकी मैं आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ, फिर रेटिंग देती हूँ कि कैसा लग रहा है। और ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, मटेरियल वगैरह भी काफ़ी अच्छा है।
पर ये प्राइस भी इसका 1064 रुपये है, जो काफ़ी ज़्यादा भी है। तो बाकी हम लोग वेयर करने के बाद देखते हैं कि कैसा आया है। पहनने के बाद ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो सिक्वन वर्क वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका बेल्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिटिंग थोड़ा लूज़ हो रहा है क्योंकि ये साइज़ एम है। बाकी जो इसका प्राइस है वो 1064 रुपये है। 1064 रुपये के अंदर ये फुल अप पार्टी वियर ड्रेस है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बोलना कि आप लोगों को कैसा लगा है। इसका जो ऊपर का सिक्वेंस वर्क वाला पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बाकी रेटिंग 10/10 है फुल अप पार्टी वियर। ड्रेस तो आपने देख ही लिया है कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये जिसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है। यहाँ पे इन्होंने अपने देख सकते हो बेल्ट भी दे रखा है, जो आपको पहले दिखाना भूल गई थी। ये बेल्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें ये सितारों का वर्क कर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। हाथ के यहाँ से इन्होंने जोड़ रखा है, यहाँ पे ऑलपिन से जोड़ना है बैक साइड में। ओवरऑल ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा फुल अप पार्टी वेयर ड्रेस है। बर्थडे वगैरह में भी पहन सकते हो। और आप घेर देख सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा घेर है और नीचे कैन कैन लगा के रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। और इसकी फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, एम साइज है। मेरे को थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, थोड़ा फिटिंग कराना पड़ेगा। ओवरऑल ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। फ्लेयर तो आप देख ही सकते हो कि फुल अप खतरनाक वाला फ्लेयर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है, फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और मेरे 5'6" हाइट है, उसके हिसाब से पूरा फ्लेयर तक आ रहा है। अगर मैं हील भी पहनूंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी इसकी लेंथ वगैरह है। ये है नेक्स्ट पार्सल, इसका जो प्राइस है वो 356 रुपये है। बाकी खोल के देखते हैं कि इसमें क्या दिया है उन्होंने और कैसा आया है। इसका जो कलर है वो है पर्पल कलर। ये देखिए, ये फुल अप वेलवेट मटेरियल है। इसका जो प्राइस है वो 356 रुपीज़ है। बाकी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। गर्मियों में पहनने के लिए तो वेलवेट का मटेरियल सही नहीं है, पर इसको 1 महीने बाद आप अच्छे से वेयर कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है वैसे तो देखने में, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और वेलवेट मटेरियल का शाइन ही अलग होता है, ये काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका स्लीव जो है वो भी पूरा फुल लेंथ में है। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है। बाकी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसमें रेटिंग क्या होगा। बाकी ये वेलवेट का मटेरियल आपको पता ही है कि विंटर में पहनने के लिए कितना मस्त होता है। बाकी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वेलवेट पैटर्न में है और वेलवेट पैटर्न में अलग ही शाइन होता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। फुल अप पार्टी वियर ड्रेस है, फुल लेंथ में है, पूरा पैर तक आ रहा है, फुल ऑफ लेंथ है, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। इसकी जो साइज़ है वो एस साइज़ है, जिसका प्राइस है वो 356 रुपये है। और रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। फुल ऑफ पार्टी वेयर ड्रेस है, बहुत प्यारा है। ड्रेस तो आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है, जिसका कलर है वो कभी मेहरून दिख रहा है, कभी वाइन दिख रहा है, पर ऑर्डर में उसमें वाइन कलर लिखा हुआ आ रहा था तो ये वाइन कलर है। बाकी ये देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा है, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छा है। एज इसका साइज़ है, जिसका फैब्रिक है वो वेलवेट है, जो कि विंटर में पहनने के लिए अच्छा है, पर आप समर में नहीं पहन सकते हो, गर्मी लगेगी। बाकी विंटर में पहनने के लिए बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। और इसका नेक आप देख सकते हो कितना प्यारा है, यहाँ से ये कपड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ओवरऑल ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा है, जैसे कि आपने देखा है। बाकी रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। ये नेक्स्ट पार्सल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है। इसका जो प्राइस है वो 825 रुपये है। यहाँ पे पिक है, आप देखिए कि पिक में जैसा दिखाया है कि वैसा सेम आया है कि नहीं। इसका जो कलर है वो पीच कलर में है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था बीच में, काफ़ी अच्छा भी ये गाउन देखने में। जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम ही वैसा दिख रहा है इसका कलर, बाकी थोड़ा डार्क दिख रहा है और पिक में थोड़ा लाइट कलर दिख रहा था। बाकी खोल के देखते हैं। खोलने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये पोर्शन कितना प्यारा लग रहा है। स्लीव वगैरह सेम है, इसका थोड़ा कलर अलग लग रहा है। और यहाँ पे पता नहीं ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये देख सकते हो अब कितना ज़्यादा लंबा है, ये लटक रहा है नीचे से, पता नहीं। बाकी मैं वेयर करने के बाद देखती हूँ कि ये क्या है, कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं आया हो ऐसा लग रहा है मेरे को।
बाकी ड्रेस तो देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी वेयर करके दिखाती हूँ कि कैसा है। 825 रुपये के हिसाब से ये ड्रेस कैसा लग रहा है। बाकी इसके कलर से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि उसमें अलग कलर दिख रहा था, इसमें थोड़ा डार्क कलर है जो उतना अच्छा तो नहीं लग रहा जैसा कि उसमें लग रहा था कलर। वियर करने के बाद ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो मिंत्रा में प्राइस है वो 2000 रुपये है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है मिंत्रा में। जबकि मैंने मीशो में इसको देखा तो मैंने मंगा लिया, क्योंकि इसका प्राइस मीशो में 825 रुपये है। और आप देख सकते हो कितना प्यारा आया है। मुझे लग रहा है कि पिक में थोड़ा लाइट कलर था और मुझे थोड़ा डार्क कलर रिसीव हो गया, इसलिए मैं इसको रेटिंग 9 दूंगी 10 में से। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रेस तो आपने देख ही लिया है कि ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा है। आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि दीदी हर ड्रेस में 10/10 देते, मैं क्या करूँ, आप देख ही रहे हो कि सारे ड्रेस ही कितने अच्छे आते हैं। अभी तक मैंने जो 4 पार्सल खोला वो चारों कितने अच्छे, तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या करना है। इसको शोल्डर पर देना है, आप चाहो तो यहाँ पर पिनअप कर सकते हो या फिर खाली भी छोड़ सकते हो। और पीछे से ये साड़ी जैसा लुक आएगा, पल्लू जैसा लुक आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। बाकी रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 10 में से 9 दूंगी, ओनली और ओनली कलर की वजह से, क्योंकि पिक में मुझे दूसरा कलर दिख रहा था, ये मुझे दूसरा रिसीव हुआ है। उसमें लिखे ही भी आ रहा था कि पीच कलर है, पर ये पीच पता नहीं कैसा पीच कलर है। लाइट पीच कलर होता तो काफी प्यारा लगता है, इसका थोड़ा कलर का इश्यू आ रहा है। बाकी मुझे ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, फ्लेयर वगैरह आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा है। यहाँ पे भी उन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रखा है, डिजाइन बना रखा है जो काफी अच्छा है। आप देख सकते हो कि स्लीव में भी, बैक साइड में भी अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी कर रखा है। बाकी पार्टी में, बर्थडे में पहनने के लिए फुल ऑफ, मतलब 10/10 है, कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। ये नेक्स्ट पार्सल, ये रहा पिक, इसका जो प्राइस है वो 850 के आसपास है, जो कि काफ़ी प्यारा है। पिक में तो आप लोग देख ही सकते हो, इसका जो कलर है वो वाइट कलर में है। बाकी हम लोग खोल के देखते हैं कि कैसा आया है, कैसा हमें रिसीव हुआ है। ये कितनी अच्छी पैकेजिंग में आया है, आप लोग देख सकते हो, व्हाइट कलर का ड्रेस है और बेबी पिंक कलर के पैकेजिंग में आया है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन बना रखा है पैकेट में, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। बाकी खोल के देखते हैं कि 850 के हिसाब से ये ड्रेस कैसा आया है। इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। रेयॉन फैब्रिक वैसे चलता बहुत कम है, आप लोग फैब्रिक के बारे में पूछते हो तो मैं बता दूं कि रेयॉन फैब्रिक पहनने में सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। एक बार आप धोओगे तो बिना प्रेस के आप लोग पहन नहीं सकते हो, और ये चलता भी बहुत कम है। जो आप बोलते हो कि दीदी ड्रेस ख़राब हो जाता है, वो रेयॉन का कपड़े का ही ज़्यादा होता है, क्योंकि रेयॉन जल्दी ख़राब हो जाता है। ड्रेस की बात करते तो आप देख सकते हो इसका जो यहाँ पे गला है, यहाँ पे इन्होंने ये प्लेटें बना के दे रखा है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। कॉलर टाइप का बना रखा है प्लेटों में, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका जो नेक है, नेक में यहाँ पे कमर के यहाँ तक इन्होंने बटन लगा रखा है, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। कमर के यहाँ पे इन्होंने चुन्नटे लगा रखा है, ये लेयर में है, एक लेयर है, दो लेयर है, ये तीन लेयर है, तीनों लेयर है, जो कि काफ़ी ही प्यारा लग रहा है। फ्लेयर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्लिप की बात करें तो स्लिप के यहाँ पे चुन्नट है, यहाँ से थोड़ा पप टाइप का स्लिप में आएगा, और नीचे यहाँ पे इन्होंने पेस्टिंग लगा रखा है, यहाँ पे भी इन्होंने बटन लगा रखा है। ओवरऑल ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। बाकी इसका फैब्रिक रेयॉन है, थोड़ा कोई और फैब्रिक होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि ये रेयॉन का मटेरियल थोड़ा कम टिकाऊ होता है। बाकी ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ, तो आप लोग बोलना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये पहनने के बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ऊपर से नीचे तक ये बहुत अच्छा है। इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, रेयॉन का मटेरियल है, जो समर के लिए बहुत सुटेबल है। बस मुझे इसमें एक ही कमी लग रही है कि फ्लेयर पिक में ज़्यादा दिखाया था, इसमें मुझे कम रिसीव हुआ, इसलिए इसको रेटिंग 9 दूंगी। ओवरऑल ये फुल ऑफ पार्टी वेयर ड्रेस है, देख सकते हो ये वाला ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो स्लीव है वो पप स्लीव में है, पप स्लीव मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें क्यूट क्यूट सा लुक आता है। यहाँ पे इन्होंने पेस्टिंग लगा रखा है, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन हार्ड है, जैसे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने बटन लगा रखा है, जो बटन उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। जो कॉलर है वो सेम कपड़े का कॉलर बना रखा है, इसमें पलेटेदार चुन्नटों से इन्होंने कॉलर बना रखा है, जो कि काफ़ी क्यूट सा लुक आ रहा है। जो मेरा साइज़ है वो एस साइज़ है, उसका फिटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। फ्लेयर आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेटों में फ्लेयर है, पर जितना पिक में दिखाया था वैसा फ्लेयर नहीं है, इसलिए मैं इसको रेटिंग 10 में से 9 दूंगी, थोड़ा मुझे कम लग रहा था इसलिए। बाकी आप लोग बताना कि आप इसको क्या रेटिंग दोगे। ओवरऑल मुझे ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा है, इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन है, रेयॉन ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बाकी ड्रेस देखने में तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी क्यूट सा लुक आ रहा है।
ये है नेक्स्ट पार्सल, ये रहा आपका पिक। आप देख सकते हो कि पिक में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसमें बहुत सारे कलर हैं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक और कोड मिल जाएगा सारे ड्रेस का, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। और इसका कलर आप लोग देख सकते हो जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम है और उतना ही प्यारा है। इसका प्राइस जो है वो 418 रुपये है, 400 रुपये मैंने 400 रुपये के हिसाब से ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, बाकी बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है देखने में। थोड़ा हटके कलर है इसका, मैंने सोचा सारे कलर में मंगाया जाए इसलिए थोड़ा इस कलर में भी मंगाया जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसमें बस ये दिक्कत है कि इसमें स्लिप कट है जो मुझे नहीं लगता कि पहनने के बाद कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बाकी देखते हैं जैसा दिखाया है वैसा ही है। फ्लेयर वगैरह काफ़ी अच्छा है, 418 रुपये के हिसाब से तो ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बटन लगे हुए हैं, यहाँ पर बटरफ्लाई जैसा बना हुआ है, पीछे यहाँ पर चेन लगा हुआ है। 418 रुपये इसका रेट है और जॉर्जेट का फैब्रिक है, जिसका साइज है वो एम साइज है। पिक में जैसा दिखाया था मेरे को सेम टू सेम वैसा ही रिसीव हुआ है। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। दिक्कत में मुझे बस इसके स्लिप की दिक्कत लग रही है, स्लिप थोड़ा फुल में होता तो काफ़ी अच्छा लगता। स्लिप की वजह से ही मैं इसको रेटिंग 10 में से 9 दूंगी। ओवरऑल मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, फुल अप पार्टी वेयर ड्रेस है, काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो कि ये ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जो मेरा साइज़ है वो एम साइज़ है, जो इसका फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, जो इसका प्राइस है वो 418 रुपये के आसपास है। बाकी आप देख सकते हो ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये बटन काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। जो बटरफ्लाई बना हुआ है जो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप कॉलर देख सकते हो पूरा गला बंद हो गया है, थोड़ा ये नीचे तक भी होता तो काफ़ी अच्छा लगता। और सब तो सही है पर मुझे स्लिप का पता नहीं चल रहा है कि स्लिप इतना क्यों है, या तो यहाँ तक होता है या फुल होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, यहाँ तक स्लिप अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है। मैं स्लिप की वजह से रेटिंग इसको 9 दूंगी, ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे इसका नेक और इसका स्लिप अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं इसको रेटिंग 9 दूंगी 10 में से। बाकी ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। ये जॉर्जेट का मटेरियल है, इसके नीचे इन्होंने क्रेप का अस्तर लगा रखा है पूरा नीचे तक, और फ्लेयर वगैरह आपने देखा ही है कि कितना प्यारा है। ये है नेक्स्ट पार्सल, ये रहा इसका पिक। अभी तक मैंने खोला नहीं है इसलिए मैं थोड़ा बता नहीं पा रही हूँ इसके अंदर क्या है, बाकी खोलने के बाद आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है, इसकी रेटिंग क्या है। इसका जो प्राइस है वो 385 रुपये है, 385 रुपये के अंदर देखते हैं ये गाउन कैसा आया है। जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसा है और 385 रुपये के हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि गाउन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये। इसका कलर आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर में है और ग्रे कलर में इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये वेलवेट के मटेरियल में सिक्वेंस वर्क कर रखा है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है, जिसका फैब्रिक है ये वाला जो फैब्रिक है वो नेट है और ये वाला फैब्रिक वेलवेट है, दोनों अलग अलग फैब्रिक में है। और ओवरऑल ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करती हूँ तो वेयर करने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि रियल में ये ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। जैसा पिक में दिखाया था मुझे ड्रेस उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा अच्छा है। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है, जो इसका प्राइस है वो 385 रुपये है और 385 रुपये के अंदर ये फुल अप पार्टी वियर ड्रेस है। 10/10 इसकी रेटिंग है, कोई भी कमी नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को मेरी कलेक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरे कलेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालते आप लोगों को वीडियो मिल जाए और जल्दी जल्दी आप मीशो पर जाके ऑर्डर कर पाओ, क्योंकि मीशो पर बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो बाद में आप लोग अगर लिंक से मीशो पर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो वो ड्रेस नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। अगर इस ड्रेस की बात करें तो आप देख सकते हो 385 रुपये में ये ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा है। जिसका फैब्रिक है वो वेलवेट है, वेलवेट में सिक्वेंस वर्क कर रखा है आगे पीछे। डिसअपॉइंटेड में मुझे बस यही लग रहा है कि अगर इसका स्लिप फुल यहाँ तक होता या फुल होता तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता। बाकी पिक में जैसा दिखाया था सेम टू सेम वैसा है इसलिए मैं इसको रेटिंग 10/10 दूंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। और इसमें फ्लेयर नेट का आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है, नेट के नीचे इन्होंने क्रैप का कपड़ा लगा के रखा है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये ड्रेस मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है, प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है और बर्थडे में पहनने के लिए भी सही है, आप पार्टी में भी पहन के जा सकते हो। यह नेक्स्ट पार्सल, ये है पिक। आपको पता है ये वाला ड्रेस कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसमें 3 कलर अवेलेबल है। इसका जो रेट है वो 550 रुपये के आसपास है।
खोलने के बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा इसका नेक आया है। जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है बाहर से, और खोलने के बाद ये सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जो इसका मटेरियल है वो जॉर्जेट है, यहाँ पे इन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रखा है गोल्डन कलर में, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसमें स्लीव है, स्लीव यहाँ तक होगा, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसमें लेस लगा हुआ है बॉर्डर में, और फ्लेयर आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लेयर बना के, फ्लेयर है एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, तीन लेयर में इन्होंने फ्लेयर दे रखा है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये ड्रेस काफ़ी प्यारा लग रहा है, डार्क पर्पल कलर में है, वाइन कलर में भी आप बोल सकते हो। और ओवरऑल ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा कि रियल में ये ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा है। ये ड्रेस मुझे पहनने से पहले ही अच्छा लग रहा था, पहनने के बाद और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका फ्लेयर देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है, इसका नेक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे ये ऑल इन वन लग रहा है, मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा आप लोग भी कमेंट करके बोलना। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है, रेटिंग 10/10 है, कोई कमी नहीं है, फुल ऑफ पार्टी वियर ड्रेस। देख सकते हैं कि ये ड्रेस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इससे पहले मैंने वेयर करके दिखाया था, तो आपने देखा कि इसमें फ्लेयर कितना अच्छा है, फ्रंट बैक दोनों ही साइड कितना प्यारा लग रहा है। इसमें कर रखा है गोल्डन कलर में, जो काफी प्यारा लग रहा है। जो मेरा साइज है वो एस साइज है, बाकी इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है, नीचे अस्तर वगैरह सब देख के रखा है इन्होंने। रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है ये वाला ड्रेस। इसका कलर भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, और जॉर्जेट में इसका कलर, मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है ना ड्रेस का कलर फिटिंग सब मैटर करता है, तो ये ड्रेस मुझे ऑल इन वन में लग रहा है, इसलिए मैं इससे काफी सेटिस्फाई हूँ। बाकी आप लोग बताना जरूर कि कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लग रहा है जो मैं अपने बर्थडे पे वेयर कर सकूं, या कौन सा ड्रेस आपको अपने बर्थडे पे वेयर करने के लिए काफी अच्छा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सा हॉल आप नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। ये है नेक्स्ट पार्सल, और ये रहा इसका पिक। आप देख सकते हो पिक में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो प्राइस है वो 890 रुपए के आसपास है। बाकी हम खोल के देखते हैं कि कैसा हमें रिसीव हुआ है। इसकी भी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो फ्रंट में बैक में डिज़ाइन बना रखा है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसकी पन्नी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। चलिए तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ओपन करने के बाद कैसा आया है। इसका जो फैब्रिक है ये रियॉन में है, और ये दो शेड में है, वाइट और ब्लू शेड में है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है, और आप देख सकते हैं इसका जो स्लीव है ये थ्री लेयर में है, 1, 2, 3 थ्री लेयर में चुन्नटे हैं दोनों साइड में, और काफ़ी हेवी है इसका जो स्लीव है। और आप देख सकते हो ये दो लेयर में है पूरा ड्रेस, नेवी ब्लू कलर में, वाइट कलर में, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और इसमें इतना ज़्यादा घेर है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घेर है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाऊंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितना ज़्यादा घेर है। जो इसका साइज़ है वो एस साइज़ है, और घेर का तो क्या ही कहना है। पहनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कितना प्यारा लग रहा है। ओवरऑल ड्रेस मुझे पहनने से पहले ही बहुत अच्छा लग रहा है। इस ड्रेस का तो क्या ही कहना है, फुल ऑफ पार्टी वियर ड्रेस। इसका घेर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा घेर है। अब तक मुझे जितने ड्रेस रिसीव हुए उसमें से सबसे ज़्यादा घेर इसका है, बहुत बहुत ज़्यादा घेर है। और दो कलर कॉम्बिनेशन में ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो स्लीव है वो तीन लेयर में, जो काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है, उसकी फिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी है। रेटिंग की बात करें तो 10/10 इसकी रेटिंग है, फुल अप पार्टी वेयर ड्रेस है, बर्थडे ड्रेस है। ड्रेस तो आपने देख ही लिया है कि ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका नेक का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसकी स्लीव भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये तीन फ्लेयर में है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। जो मेरा साइज़ है वो एस साइज़ है। रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। जिसका फैब्रिक है वो रेयॉन है। बाकी इसका जो फ्लेयर है आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है इसका फ्लेयर। और अभी तक मेरे को लग रहा है जितने भी ड्रेस रिसीव किए सबसे अच्छा फ्लेयर इसका ही है। बहुत ज़्यादा घेर है और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये रहा ड्रेस, ये रहा इसका पिक। आप लोग देख ही सकते हो कि पिक में ये ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। इसका जो प्राइस है वो 716 रुपये है। बाकी खोल के देखते हैं कि कैसा आया है। ये पिक में थोड़ा पीच पीच कलर में लग रहा था, पर ये पिंक कलर में है। इसमें भी मेंशन है कि ये पिंक कलर है। आप देख सकते हो कितना प्यारा इसमें एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है। बाकी खोल के देखते हैं कि कैसा आया हुआ है। देखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट में है, और स्लीव देख सकते हो आप यहाँ पे वर्क कर रखा है इन्होंने।
बैक साइड पूरा ही प्लेन है, बैक साइड में कुछ भी नहीं है, फ्रंट में ही इन्होंने डिजाइन बना रखा है। और आप इस पे नायरा कट जैसा, ये देखिए यहाँ से ये नायरा कट की पट्टी आ रही है, गाउन है उसके ऊपर ये नायरा कट के लुक में एक पट्टी आ रही है जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करती हूँ तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये दिखने में कैसा लग रहा है। बाकी आप लोगों ने ड्रेस काफ़ी प्यारा है, इसका फैब्रिक वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, नीचे अस्तर भी दे रखा है, पॉलिस्टर का इन्होंने अस्तर दे रखा है। बाकी इसका कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है बेबी पिंक कलर में। इस ड्रेस की कलर क्वालिटी तो बहुत अच्छी है पर इसका लेंथ बहुत कम है। मेरी जो हाइट है वो 5'6" है और आप देख सकते हो मेरे को ये छोटा हो गया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है और सिक्वेंस वर्क भी आगे ही दे रखा है इन्होंने, बैक साइड में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं इसको रेटिंग 10 में से 8 दूंगी। और बोले ड्रेस भी काफ़ी अच्छा है, ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो सिक्वेंस वर्क है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस इन्होंने सिर्फ फ्रंट में रखा है, बैक साइड भी दिया होता तो काफ़ी अच्छा होता। और मेरी जो हाइट है वो 5'6" है पर मुझे ये ड्रेस छोटा हो रहा है। आपने देखा है कि नीचे से लेंथ मेरे को छोटी लग रही है, अगर लेंथ में ज़्यादा होता तो काफ़ी अच्छा लगता। मुझे लेंथ की वजह से और पीछे सिक्वेंस वर्क नहीं है, इन दोनों की वजह से मैं इसको रेटिंग 8 दूंगी 10 में से। ओवरऑल फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा है, जॉर्जेट का मटेरियल जो है जल्दी ख़राब नहीं होगा, कलर भी बेबी पिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस इसका लेंथ छोटा है इसलिए मैं इसको रेटिंग 8 दूंगी 10 में से। यह है नेक्स्ट पार्सल, ये रहा इसका पिक। इसका जो प्राइस है वो 600 रुपये है। तो आइए खोलते हैं इसको और देखते हैं। इसका जो कलर है वो पर्पल कलर में है, आपने इसे देखा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा था। अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि क्या आया है। जो 2 पीस में रिसीव हुआ है, एक गाउन है और इसके ऊपर का एक जैकेट है। गाउन में देख सकते हैं आप लोग सिक्वेंस वर्क किया हुआ है, छोटा छोटा ये इस टाइप का बना हुआ है पूरे गाउन में, फ्रंट बैक दोनों साइड में। इसके अंदर अस्तर भी लगा हुआ है, क्रैप के कपड़े का अस्तर लगा हुआ है। ये पर्पल कलर में है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइन कलर में है, डार्क पर्पल कलर है, ये आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये नेट में है इसके ऊपर ये पहनने के लिए। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। मैं ये वाले ड्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को देखा ये वाले ड्रेस का वीडियो बनाते हुए, तो मैंने सोचा पता नहीं मुझे कैसा रिसीव होता है। ये ड्रेस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर इसके जैकेट अच्छी नहीं है, इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, मैंने एडजस्ट कर रखा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, कट पिट के सही करना पड़ेगा तब जाके सही होगा। विदाउट जैकेट भी ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। रेटिंग की बात करें तो 8 दूंगी ऊपर की जैकेट की वजह से, फिटिंग की वजह से। बाकी ओवरऑल ये भी पार्टी वेयर ड्रेस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा। वीडियो बनाते बनाते एक और पार्सल रिसीव हो गया है, तो 12 नहीं अभी 13 गाउन हो गया है। इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले इस वाले ड्रेस की बात कर ले। ये मुझे थोड़ा फिटिंग में इशू हो रहा है, जो ऊपर का ये है इसकी वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बाकी इसका अंदर का जो है, इसका नेक वगैरह आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसको रेटिंग 10 में से 10 दूंगी, पर दोनों को मिला के रेटिंग 10 में से 8 दूंगी, क्योंकि ये मुझे इसकी फिटिंग वगैरह अच्छी नहीं लग रही है, ये तो मैंने एडजस्ट कर रखा है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो कितना बड़ा है। यह है नेक्स्ट पार्सल, ये रहा इसका पिक। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये मल्टी शेड में है, जो इसका प्राइस है वो 485-486 रुपये के आसपास है। मुझे लग रहा है कि कलर डिफरेंट मुझे को रिसीव हो गया है, क्योंकि वो ब्लैक ब्लैक कलर में दिखा रहे थे, ये ब्लू ब्लू कलर में है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा अलग ही है ये जैसा पिक में दिखाया था, वैसा तो मेरे को लग नहीं रहा है। प्रिंट वगैरह में भी मेरे को काफ़ी अलग टाइप का लग रहा है। मेरे को दूसरा पीस रिसीव हो गया है, वो ब्लैक कलर में है, ये ब्लू कलर में रिसीव हो गया है। इसका जो फैब्रिक है ये रियॉन है, रियॉन कॉटन में है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये इलास्टिक वाला, ये इलास्टिक है, किसी भी साइज़ वाले को फिट हो जाएगा। ये इसकी स्लीव है, स्लीव की यहाँ पर इन्होंने ये लेस लगा के दिया हुआ है, यहाँ पर भी इलास्टिक है। ओवरऑल मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा लग रहा है। बाकी मुझे देख के तो इतना अच्छा लग नहीं रहा है, बाकी पहनने के बाद बताती हूँ कि कैसा लग रहा है।
मुझे पता नहीं चल रहा है कि इस ड्रेस के बारे में क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। मुझे लगा ब्लैक कलर में रिसीव होगा पर ये ब्लू कलर में रिसीव हो गया है। इसमें घेर कम है, बाकी इसकी क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिर्फ क्वालिटी की वजह से ही मैं इसको रेटिंग 10 में से 8 दूंगी। ओवरऑल ये ड्रेस भी डेली वेयर करने के लिए बहुत अच्छा है। आपने देख ही लिया है तो आप भी बताइए कि कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, ख़राब भी नहीं लग रहा। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। अगर आप घर में डेली में यूज़ करते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। पर पार्टी मटेरियल तो रख नहीं रहा है, ऐसे आप कहीं जा रहे हो तो आप लोग वेयर कर सकते हो। बाकी मुझे पिक में जैसा दिखाया था उसके हिसाब से थोड़ा अलग लग रहा है और इसका फ्लेयर वगैरह कम है। मुझे लगा था ये ब्लैक कलर में आएगा पर ब्लू कलर है, उसमें कलर मेंशन नहीं था, मल्टी कलर था। पिक देख के मुझे लगा ब्लैक आएगा। बाकी रेटिंग की बात करें तो क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है पर जैसा मैंने सोचा था उस हिसाब से नहीं है, इसलिए मैं 10 में से इसको 8 दूंगी। ओवरऑल मुझे ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप डेली वेयर पहन रहे हैं गर्मी में तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। घर में पहनने के लिए काफ़ी लूज भी है, इलास्टिक भी काफ़ी पता नहीं चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। ये है कि नीचे से फ्लेयर वगैरह कम है। ओवरऑल ये ड्रेस काफ़ी अच्छा है, क्यूट सा लुक भी आ रहा है। बाकी आप लोग बताना कि ये वाला ड्रेस कैसा है। सारा गाउन लेके हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया था। मुझे लगा था कि एक पार्सल जो नहीं रिसीव हुआ था वो नहीं रिसीव होगा, पर वीडियो बनाते बनाते वो पार्सल रिसीव हो गया, तब 13 गाउन हो गया है। तो इसको भी आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है और कौन सा ड्रेस है। बाकी पिक रहा ये, इसको मैंने मिंत्रा पे देखा था, 2000 का था और मीशो पे ये 700 के लमसम है। बाकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि कैसा आया है। बाकी इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं मिंत्रा पे बहुत टाइम से इसको देख रही थी मंगाने का, बस पर रेट ही काफ़ी ज़्यादा था 2000 और मुझे मीशो पे मिल गया है अंडर 700 में, तो मैंने सोचा मंगा ही लूँ। इसकी पैकेजिंग एकदम अलग में है, ये देखिए आप टिकटॉक वाले बटन लगा रखे हैं इन्होंने। बाकी खोल के देखते हैं, इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है, देखने में तो सेम टू सेम ही है, जैसा पिक में दिखाया था वैसा ही है। फ्लेयर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं आप लोगों को वेयर करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। बाकी ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी रेटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसा रिसीव हो रहा था, हुआ है, डिले हो रहा था इसलिए मुझे लगा अच्छा नहीं आएगा, रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होगा, पर उन्होंने सेम ही प्रोडक्ट दिया। ये वाले ड्रेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत टाइम से मैं इसको मिंत्रा पे देख रही थी, 2000 इसका प्राइस था, मुझे मीशो पे मिल गया अंडर 700, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जैसा पिक में दिखाया था सेम टू सेम वैसा है, क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा है। इसका जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है, जिसका साइज़ है एस साइज़ है। फिटिंग वगैरह आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है, रेटिंग 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, फुल अप पार्टी वेयर ड्रेस है, बहुत अच्छा है। ड्रेस तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इसका जो साइज़ है वो एस साइज़ है, जो इसका प्राइस है वो 700 से कम है। बाकी मैं यहाँ पे मिंत्रा का पिक दे दूंगी, यहाँ पे मीशो का पिक दे दूंगी, आप लोग कंपेयर कर लेना कि कौन सा अच्छा लग रहा है। मतलब सेम ही प्राइस में दो ही ड्रेस है। बाकी इसका जो फैब्रिक है जॉर्जेट है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मटेरियल, जैसा आपने देखा फ्लेयर वगैरह काफ़ी अच्छा है, लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रेटिंग की बात करें तो 10/10 है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन जरूर बजा देना, ताकि मैं वीडियो डालते आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि मीशो में प्रोडक्ट बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, जितने जल्दी आप लोग लिंक कोड देख के अपने लिए शॉपिंग करेंगे उतना ही सही है, वरना लास्ट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। फिर आप लोगों को ड्रेस तो पसंद आता है पर उसका लिंक नहीं मिलता है, और जो ड्रेस मैं जिस सेलर से मंगाती हूँ मैं उनका ही लिंक आपको दे सकती हूँ ना, किसी और का लिंक देने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो तो वो मुझे भी पता नहीं है ना कि कैसा आएगा दूसरे सेलर का, इसलिए मैं जिनका शॉपिंग करती हूँ उन्हीं का ही आप लोगों को कोड देती हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए, और जैसे मुझे सपोर्ट करते वैसे ही हमेशा सपोर्ट करिए, और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।